एक साल के बाद भी अगर हम वही काम करते रहे, 2 साल के बाद भी हमारी काम की एक्टिविटी है, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है कि हमें लगता है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। यानी कि मुझे सबसे पहले तो समझने के लिए ये देखना है कि क्या आज जिस तरीके की मेरी दिनचर्या है, जिस तरीके की एक्टिविटी है सुबह से शाम तक की, क्या 6 महीने पहले भी वैसा ही था? क्या 1 साल पहले भी वैसा ही था? क्या मैंने जब शुरुआत की तो शुरुआत के 6 महीने के काम भी वैसे ही थे? अगर आपका जवाब आता है कि हाँ मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ, यानी कि काम करने के जो मीटिंग्स के प्रकार है या जो भी हमारी एक्टिविटी है वो अगर बदल नहीं रही है, इसका मतलब कि हमारा बिजनेस मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रहा है। हम खुद ही काम करते रहते हैं, हम काम करते हैं तब तक ही हमें पैसा मिलता है, हम अगर मार्केट में रहेंगे तभी हम हमारा पे आउट जो है वो ठीक से बना पाएंगे, लेकिन हम किसी कारण से कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं पर बाई चांस हमें कोई शिफ्ट करना पड़ा, हमें कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या फिर हम कोई मेडिकल इश्यू की वजह से हम या कोई भी कारण से अगर हम हमारे काम जो है वो उस सेम तरीके से उतना टाइम अगर किसी भी कारण से नहीं दे पाते इंटेंशनली, यानी जानबूझ के या फिर कोई रीजन की वजह से, लेकिन फिर भी हमारा और उस टाइम पे हमारा बिजनेस गिर जाता है या स्टेबल रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो बिजनेस इज नेम ऑफ द गेम, अप एंड डाउन्स हर बिजनेस में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स आपके रहने या ना रहने से, एक्टिव होने या ना रहने से, आपके फील्ड में जाने या ना जाने से, वो भी लंबे समय के काम करने के बाद, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कोई चीज जो है हमारे बिजनेस में वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल रैट रेस वाला काम हो जाता है। यानी कि एक जॉब की तरह, जैसे कि हम लोग एक जॉब में किस प्रकार से काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा काम रहता है। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, और वो कौन सी चीजें हैं, काइंडली प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स कि व्हाट इज द मास्टर की ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यस एनीबडी, मास्टर की क्या हो सकती है हमारे डायरेक्ट सेलिंग की, कि जिसकी वजह से सारी चीजें कहते हैं ना कि सब चलती है, तो वो मास्टर की क्या है, कोई बताना चाहेगा? यस एनीबडी, यस ग्रेट, यस अल्पेश सर, यस दैट इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज द नेम ऑफ द गेम, डुप्लीकेशन इज द नेम ऑफ द गेम। यानी पूरी अगर हम गेम का अगर एक नाम दे कि ये क्या हो रहा है, हम नेटवर्क के बिजनेस में हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हैं, हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, हम हमारे ड्रीम पूरे करने हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हमारी औकात से भी ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं, और वो कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी इनकम जो है वो 20,000 की जॉब थी और मैं इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे 1 करोड़ रुपये कमाना है, ठीक है, तो 1 करोड़ तो वो मेरी जो ऑलरेडी कैपेसिटी बनी हुई है उससे भी मल्टीप्लाई होके मुझे कब मिलेगा, तो उसका उस गेम को मुझे खेलना पड़ेगा, उस गेम का नाम है डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन जो है ये एक पॉजिटिव और एथिकल वे में अगर होता है तो आपकी सारी चीजें जो भी आपने सोचा है वो सारी चीजें संभव हो सकती है। तो मेरा दूसरा सवाल है कि वाई डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, वाई डुप्लीकेशन? क्या मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं तो उसी तरीके से मैं अगर काम करता रहूंगा तो क्या मैं वो सारी चीजों को अचीव कर पाऊंगा जो मेरा ड्रीम है, लग्जरियस हाउस, या फिर मुझे 1 करोड़ रुपए का इनकम करना है, या फिर मुझे कार लेनी है, या मुझे पर मंथ जो है वो 5 लाख 10 लाख की इनकम करनी है। ये सारी चीजों को हमें संभव करने के लिए डुप्लीकेशन की जरूरत है। तो डुप्लीकेशन हम किसे कहेंगे, डुप्लीकेशन हम किसे कहेंगे? कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये पानी का बॉटल है, ठीक है, दिस इज द वाटर बॉटल। अब आप एक बॉटल बनाते हो, एक बॉटल बनाते हो, या फिर 1 लाख बॉटल बनाते हो,
आप एक बॉटल बनाते हो या 1 लाख बॉटल बनाते हो, उसमें ढक्कन भी सब 1 लाख बॉटल के सेम होंगे और उसके बॉटल के अंदर 1 इंच का भी प्लस माइनस नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे रेप्लीकेबल। एक के जैसा दूसरा, जैसे जेरोक्स होता है, एक के जैसा दूसरा, एक के जैसा दूसरा, तो वैसे जितने हम साइंस की भाषा में हम इसे कहेंगे क्लोन, कि एक क्लोन बनाया, शिप का एक क्लोन बनाया सबसे पहले, बिल्कुल वैसा का वैसा। उसके बाद लोगों के क्लोन बने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि एक जैसा ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो हमारे बिजनेस के अंदर उस चीज को हम कहते हैं डुप्लीकेशन, और उसका डिफिनेशन है अ फ्यू सिंपल एक्शन फॉलो बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक बड़े समूह और एक बड़ी टीम के, एक बड़े समूह के, एक समूह है, एक टीम है, उसके द्वारा किए जाने वाले वो समान काम जिसको हम डुप्लीकेशन कहेंगे। यानी कि अगर मेरे टीम के अंदर 15 लोग हैं तो हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्टाइल हो सकता है दिखाने का, प्रेजेंटेशन करने का, काम करने का, लेकिन उनका सिस्टम, उनके नियम और बेसिक्स जो है वो सेम होते हैं और उसको लोग फॉलो करते हैं एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी समूह के द्वारा। तो यानी कि जब मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मेरी टीम के अंदर सबसे पहले किसी ने साइन अप किया, रिक्रूटमेंट हुआ, तो मैं क्या करूंगा उसके साथ? तो सबसे पहले मैं उसके साथ बैठ के वाई क्लियर करूंगा कि वाई ही इज इन द बिजनेस। उसके बाद मैं उसके साथ लिस्ट बिल्डिंग करवाऊंगा, उसमें भी उसके ड्रीम लिस्ट बनेंगे, उसके बाद उसके डाउट क्लियर होंगे, और उसके बाद बनेगा प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट। उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्टिंग करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर फॉलोअप होगा, फिर ट्रेनिंग्स होगी, फिर सेमिनार्स, वेबिनार्स, इस तरीके से उसका भी हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है? अगर यही काम मैं मेरी टीम के अंदर, मैंने जिसको रिक्रूट किया है, उसने किसी को रिक्रूट किया है, उसने किसी को रिक्रूट किया है, और मेरे प्लेस से अगर 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर भी कोई बंदा काम कर रहा है और वो किसी को रिक्रूट करता है, और वो भी जब रिक्रूट करता है तो सबसे पहले उसका वाई क्लियर करवाता है, उसके बाद उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाता है, उसके बाद उसका क्वेश्चन डाउट क्लियर करता है, फिर उसकी लिस्ट बनती है, फिर प्लान फॉलोअप, फिर वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप। अगर ये सेम चल रहा है जिसको मैं भी नहीं मिला, वहां तक ये चीज पहुंच चुकी है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ये नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं और वही मेरे साथ बंदा भी कर रहा है, लेकिन डुप्लीकेशन ये है कि जिसको मैं, जो बंदा मेरे टीम में कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, और मैं आज उसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन उसके भी काम करने के तौर तरीके बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो कहने का मतलब ये, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। आप पहली बार मिलोगे लेकिन आपके जो शब्द थे या आपके सीनियर के जो शब्द थे वो भी वहां पर डुप्लीकेट हो चुके हैं, वो भी वहां पर बातचीत के दौरान तो आप महसूस कर सकते हो। तो वो बड़े ग्रुप के द्वारा अगर सेम प्रकार के स्टेप को फॉलो किया जाता है तो उससे कहते हैं डुप्लीकेशन। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये हमारे स्टेप्स जो है, हमारा हमारा जो सिखाने का काम है वो डुप्लीकेशन से होता है, लेकिन डुप्लीकेशन जो है वो सिखाने का प्रकार है वो है टेकिंग एक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। डू यू वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म सक्सेस और शॉर्ट टर्म सक्सेस? यानी मुझे बड़े लॉन्ग टर्म के अंदर सफलता चाहिए या मुझे आज सफलता चाहिए? अगर मुझे लॉन्ग टर्म सफल होना है, मुझे लंबे समय के बाद भी मेरे मुझे मुझे सफल बने रहना है, तो मुझे ये सिलेक्ट चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे डुप्लीकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। मुझे शॉर्ट टर्म सक्सेस हम कैसे करते हैं? जैसे कि एक बंदा प्रोडक्ट का, हमारे बिजनेस में जो है प्रोडक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन के लिए निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से मांडवी गया, ठीक है? मांडवी में मैंने 10, 12, 15 लोगों की मीटिंग की, मेरे एक लीडर के साथ, मुकेश के साथ मैंने मीटिंग की। तो वहां पर जो है जितने भी लोगों से हम लोग मिले, तो पूरे दिन के बाद हमने बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, यानी कि वी आर गेटिंग रिजल्ट। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, मान लो महाराष्ट्र में नंदरबार है या फिर कोई भी XYZ प्लेस के ऊपर हम चले जाते हैं एक्स लीडर के साथ,
और वहां पर हमने मीटिंग की पूरे दिन और शाम को हमने ऑर्डर लिए। उसके बाद मैं चला गया अहमदाबाद, फिर कभी चला गया बड़ौदा, उसके बाद कभी वापी गया, और हर जगह पे मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, हर जगह पे ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। 15 दिन तक मैंने हर रोज अलग अलग लीडर के साथ काम किया। अब 15 दिन के बाद मैं घर पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं अपने काम में बिजी हूँ 1 हफ्ते तक, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या वैसे ही रिजल्ट आता रहेगा? जैसे मैं मांडवी गया था, उसके बाद मैं नंदरबार गया, फिर मैं वापी गया, फिर अहमदाबाद गया। तो मैं जब काम करने का मेरा जो साइकिल है उसको, साइकिल के जो पैडल है उसको मैंने जैसे ही रोका, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। दैट इज द शॉर्ट टर्म सक्सेस, कि मैंने जितने समय तक फील्ड में अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी, तब तक मुझे रिजल्ट मिल रहा था, तब तक मुझे ऑर्डर्स मिल रहे थे। जैसे ही मैंने पैडल बंद किए, मेरा रिजल्ट ऑर्डर आने बंद हो गए। लेकिन डुप्लीकेशन क्या काम करता है? डुप्लीकेशन जो है, जब मैं मुकेश के साथ काम करता हूँ, जब मैं प्रीतेश के साथ काम करता हूँ, जब मैं पूर्व सर के साथ काम करता हूँ, जब मैं अरविंद सर के साथ काम करता हूँ, या जिस किसी के साथ भी मान लो मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ जब मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी वो काम को सीख रहा है और उस काम को रेप्लीकेट कर रहा है, उस काम को डुप्लीकेट कर रहा है, और वही चीजों को प्रैक्टिस करके उससे भी रिजल्ट मिल रहा है। यानी प्रूवन स्टेप्स जो हमारे हैं उसको लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, जिससे रिजल्ट मिलता है। यानी वो काम को बार बार हर लीडर के द्वारा किया जाता है जिससे कि रिजल्ट मिलता है। यानी इसके अंदर हम ट्राई एंड एरर नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि एक बार मैं पूर्व सर के साथ गया या एक बार मैं मुकेश सर के साथ हो गया और उनको रिजल्ट लाके दिखा दिया और वो डुप्लीकेट हो गया। ऐसा नहीं होगा। डुप्लीकेशन कैन नॉट हैपेंस ओवरनाइट, यानी रातों रात में होने वाली चीज ये चीज नहीं है कि डुप्लीकेशन जो है आज मैंने किया है सर, आज मैं करके आ गया हूँ, अब कल से डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। नो, डुप्लीकेशन ऐसे रातों रात नहीं होगा। डुप्लीकेशन इज अ प्रोसेस, जिसको एक नर्चर करने के लिए, जिसको जिस तरीके से हम पौधे को बड़ा करते हैं, वैसे ही हमारे साथ जो लीडर आता है, जो भी साइन अप करता है, तो वो एक कस्टमर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो उसके साथ हमें 90 दिन तक बहुत ही इंटेंशनली प्लान करके, उसकी केयर करके, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट लेके, उसके साथ जेन्यूनली इंटरेस्ट लेके, हमें कुछ काम ऐसे करने हैं जिन कामों को करने से रिजल्ट आता है। तो ये कम से कम 90 दिन के बाद, 90 दिन नर्चर करना बहुत बहुत ही आवश्यक है कि 90 दिन तक हम उसे ख्याल रखें उसका। ऐसा नहीं है 90 दिन के बाद भी वो हमारे टच में रहेगा, लेकिन 90 डेज इज इनफ, क्योंकि शुरुआत के अंदर लोग डुप्लीकेट होने से पहले ही बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को बाहर से बाहर हो जाते हैं, और वो भी कम से कम 3 से 5 ऑब्जेक्शन के बाद। तो अगर हम डुप्लीकेशन करते हैं, जब हम ऐसे ऑब्जेक्शन को उनके सामने फेस करते हैं और ये दिखाते हैं कि ऑब्जेक्शन हमारे बिजनेस का एक पार्ट है, वो रुकने के लिए और एग्जिट होने के लिए और क्विट करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं, ऑब्जेक्शन ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। जिस तरीके से रोड के ऊपर बम्पर आता है, तो वो जो है हमारे रुकावट के लिए नहीं है, हमारी स्पीड वहां पर थोड़ी कम होती है, वापिस हम अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ये हमें डुप्लीकेशन के दौरान उन्हें रियलाइज करवाना है। और व्हाई वी नीड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि डुप्लीकेशन से जो है, तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा बिजनेस हमें खड़ा करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेला कर सकूं। ये हमारा टीम का बिजनेस है, ये हमारा नेटवर्क का बिजनेस है, ये हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि डुप्लीकेशन से हम बहुत बड़े लेवल में काम कर सकते हैं। दूसरा है कि टू सिक्योर फ्यूचर, हमारा सिक्योर तभी फ्यूचर होगा जब लोग डुप्लीकेट होंगे। टू मेक गेम ऑटो पायलट, ऑटो पायलट मोड के अंदर, यानी कि हमारे एक अपने आप में हमारा एक ऐसा काम होगा कि जब ये ऑटो पायलट पे होगा, यानी कि हम कभी डायरेक्शन प्रॉपर मान लो नहीं दे रहे ना, फिर भी हमारा काम चल रहा है अगर हमने सही डुप्लीकेशन किया है। टू टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इससे हमारा काम मल्टीप्लीकेशन में होगा, गुणाकार में होगा। मैं 10 जगह पे काम करके आया, लेकिन 10 जगह पे वो लीडर भी डुप्लीकेट हुए हैं, तो 10 जगह पर हमें रिजल्ट मिलेगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन होना शुरू होगा। मैं रोज के अगर 2 ऑर्डर लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने
अगले 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मेरे 10 लीडर डुप्लीकेट किए हैं, तो हर रोज के 20 ऑर्डर मेरे आ रहे हैं, 22 ऑर्डर आ रहे हैं अगर मैं खुद भी ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। अगर किसी दिन मैं नहीं ऑर्डर लेके आ रहा हूँ तो भी 20 ऑर्डर आ रहे हैं। एंड दैट इज कॉल्ड द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एज अ बींग ह्यूमन यू कैन नॉट रीच एवरीवेयर, आप सब जगह पे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए डुप्लीकेशन करना बहुत 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 ही जरूरी है। आप हर जगह हर वक्त नहीं मदद के लिए कि सर मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं आप टेंशन मत लो मैं बैठा हूं, लेकिन यू आर नॉट गॉड, यू आर नॉट गॉड, यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। आप सब जगह पे नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप आपके पास 5 लीडर है, एक्टिव लीडर है 5, वो लोग काम कर रहे हैं, वहां तक आपका एक ऑरा सीमित है। लेकिन जैसे ही आपके साथ टीम की संख्या बढ़ी, जैसे कि एक एक खील के ऊपर जो है मैं कितने शर्ट को हैंग कर सकता हूँ, 1 2 3 4, उसके बाद शर्ट गिर जाएंगे या खील गिर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें डुप्लीकेशन करने की जरूरत है। मेरे साथ 10 लीडर काम कर रहा है, हर बंदा मुझे ही बुला रहा है, तो मैं एक एक समय के बाद मैनेजमेंट ट्रैप के अंदर फंस जाऊंगा कि यार कहाँ पे जाऊं, वहां पे जाना था, वहां पर इंतजार कर रहे हैं लोग और मैं तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मीटिंग 1 घंटे लेट स्टार्ट हुई। यानी मेरे अलावा कोई भी चीज कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, तो मैं ट्रैप में फंस जाऊंगा। इसलिए हम हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं ए के साथ काम कर रहा हूँ तो मैंने उसे लिस्ट बिल्डिंग और कॉलिंग सिखाया, उसके बाद मैंने उसको प्लान सिखाया, फिर मैंने उसको फॉलो। तो ये मैं सिखाने का काम कैसे कर सकता हूँ, इस प्रोसेस को डुप्लीकेशन कहेंगे। और इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, डुप्लीकेशन ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जो आप एक्शन में जो आप करते हो, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं। सिखाने को हम डुप्लीकेशन नहीं कि चलो आज बैठ जाओ मैं आज आपको डुप्लीकेशन सिखाता हूँ। डुप्लीकेशन लीड बाय एग्जाम्पल, डुप्लीकेशन जो है वो करने से होगा। यस, तो यू कैन हैव अ गुड टाइम ऑफ योर सेल्फ, हमारे पास खुद के लिए भी समय रहेगा अगर हमने डुप्लीकेशन किया। हम इस बिजनेस में इसलिए नहीं आए कि हम 16 16 घंटे काम करें, बहुत जरूरी है कि 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तक काम करना, लेकिन डुप्लीकेशन जरूरी है ताकि पूरी जिंदगी आप 16 घंटे 22 घंटे काम नहीं कर सकते। एक्चुअली आप और हम सभी लोग अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हम टाइम को कमाना चाहते हैं, इसलिए टाइम को दे रहे हैं। तो अगर हम डुप्लीकेशन नहीं करते हैं तो वो हमारा टाइम देना वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन हमने पैडल बंद किए उस दिन हमारा ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, उस दिन से ऑर्डर आने भी बंद हो जाएंगे। तो हमारे लिए हम समय कमा सकते हैं, वी कैन गिव अ प्रॉपर क्वालिटी टाइम टू ऑल बिजनेस। तो हमारे पास क्वालिटी टाइम होगा अगर हम डुप्लीकेशन करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डुप्लीकेशन शुरू करने से पहले कि आर यू डुप्लीकेबल, और ये सवाल हमें पूछना है, एम आई डुप्लीकेबल, क्या मैं डुप्लीकेशन करने के योग्य हूँ। तो मुझे ये सवाल को मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं डुप्लीकेट होने के लिए तैयार हूँ, ये सवाल मैं कैसे पूछ सकता हूँ। तो मुझे ये सवाल को क्लियर करने के लिए दूसरा सवाल पूछना है कि मैं जो काम आज रोज सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी कर रहा हूं, अगर वही मेरे टीम के सारे लीडर करने लगेंगे तो क्या मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे होगा, सातवें आसमान पे होगा, मल्टीप्लाई होगा, बहुत बड़ी तादाद में फैल जाएगा, बहुत बड़ा टर्नओवर होगा, बहुत बड़े बड़े चेक्स बनेंगे, पे आउट बनेंगे। यानी कि मैं अगर मान लो मूवी देख रहा हूं और मुझे किसी टीम का फोन आ रहा है कि सर प्लान है लेकिन मैं मूवी में बिजी हूं, नहीं मैं नहीं आ सकता, तो कहने का मतलब है अगर वही काम मेरे टीम के अंदर 20 लोग हैं और 20 लोग भी वैसा ही काम करने लगे, उसी एक्शन को फॉलो करने लगे, तो मेरा बिजनेस कहाँ पहुंच सकता है आने वाले कल में। तो ये अगर हमें लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ उससे डेफिनेटली मेरी टीम के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, वॉल्यूम होगा और बड़े बड़े चेक बनेंगे, तो मुझे वो काम करने चाहिए। अगर मैं रोज बुक पढ़ता हूँ, रोज मैं मॉर्निंग स्कूल में आता हूँ और मेरी टीम के अंदर लोग मॉर्निंग स्कूल में आने लगेंगे, हर बंदा मॉर्निंग स्कूल में आने लगेगा, तो क्या मेरे बिजनेस में फायदा होगा। अगर यस
तो वो काम हमें करना पड़ेगा, करना होगा, और हमें वो लगातार करना होगा। और वही नहीं, जो सारे काम को करना होगा जिससे कि हमारे बिजनेस को हम सातवें ऊंचाई तक पहुंचा सके, वो वॉल्यूम तक पहुंचा सके, वो एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सके। तो हमारा पहला सवाल है कि एम आई डुप्लीकेबल, आर यू डुप्लीकेबल, और मैं जो काम कर रहा हूं वही काम मेरी टीम करते रहे तो क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही इमरजेंसी है, और मैं उस टाइम पे क्या फैसले लेता हूँ, तो वो चीज़ आपकी हर चीज़ डुप्लीकेट होती है। यानी कि अगर मान लो हमारा बहुत बड़ा इवेंट है और मैं बार बार अपने पर्सनल काम की वजह से मान लो उसको स्किप कर रहा हूँ, तो ये मैसेज इनडायरेक्टली क्या जा रहा है? मैसेज जा रहा है कि अगर इम्पोर्टेंट बहुत काम है तो इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है हमारी, जो साल में या 3 महीने या 6 महीने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर हमारे 200-300 टीम इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर भी हम उसको मिस कर रहे हैं। यानी कि ये मैसेज जा रहा है कि इसको हम स्किप कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्किप कर सकते हैं। तो ये मैसेज जा रहा है, तो हमें सवाल ये पूछना है, एम आई डुप्लीकेबल, क्या मैं डुप्लीकेबल हूँ? और जो काम मैं कर रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिस में करता हूँ, क्या वही काम करने से मेरा बिजनेस ग्रो होगा? हर इस किसी इंसान के लिए बहुत ही इमरजेंसी रहेगी। तो अगर इस तरीके से स्किप करते जाएंगे लोग तो डुप्लीकेशन का माहौल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है, व्हेन कैन यू यूज दिस लाइन, दिस लीडर इज नाउ डुप्लीकेट। आप कब ये कह सकते हो कि मेरा लीडर जो है वो डुप्लीकेट कर सकता है? सर, आज उसने है ना खुद जाके 10 लोगों की मीटिंग लगाई, और उसने जो है वो ऑर्डर भी सर आज 30,000 का, 50,000 का ऑर्डर ले लिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो डुप्लीकेट हो गया? व्हेन कैन यू यूज दिस लाइन, दिस लीडर इज नाउ डुप्लीकेट? यस, नहीं, हमें किसी के ऑर्डर लेने से, हम जिस तरीके से मीटिंग लगाते वैसा किसी ने मीटिंग लगा दिया, हम इवेंट्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाते हैं, सेमिनार्स के अंदर जाते हैं, और वो भी हमारे साथ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि वो डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा कंटिन्यूअसली फीडबैक उसे चाहिए। और हम किसी लीडर के बारे में तब बोल सकते हैं कि वो डुप्लीकेट हो गया जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब मैंने अपने एक्स लीडर के साथ ड्रीम लिस्ट बनवाया, जब उसके साथ हर काम किया, मैंने सब शुरुआत में प्लान दिखाए तो वो देख रहा था, फिर उसने प्लान भी करना शुरू किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे वो मेरे फॉलो अप भी सीख गए, अब वो अब उसके टीम के अंदर किसी को उसने साइन अप किया और उसे प्लान भी सिखाया है, उसके वाई क्लियर हो गया, अब वो फॉलो अप भी खुद कर रहा है। तो जब रिजल्ट आता है, जब नए नए लोग रिक्रूट होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, तो मैं उनके साथ बैठकर उनका इंडक्शन मीटिंग करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे साथ वो इंडक्शन मीटिंग देख रहा है, हर मीटिंग में वो भी होता है, तो उसने प्लान सीखा, फॉलो अप सीखा, और इंडक्शन मीटिंग भी अब वो करने लगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी करके हमारी डेप्थ बिल्ड होनी शुरू हुई, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग सेमिनार्स लगाता हूँ, वो विजन क्लियरिंग भी खुद लगा रहा है, क्योंकि उसके टीम में जो बंदा तैयार हुआ है वो फॉलोअप भी कर रहा है, उसके नीचे एक बंदा है वो प्लान भी दिखा रहा है। तो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर 5 लोग डुप्लीकेट हो चुके हैं, लेकिन वो ऑटो मोड पे काम नहीं करेंगे जब तक कि उसके जो सपने हैं, उसके जो काम करने का तरीका है, उस लीडर के अंदर जब सही में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है और वो दिखता है, यानी कि अब वो सीख रहा है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए खुद के अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। मैं डिसिप्लिन से काम करूंगा, मैं हर सेमिनार को अटेंड करूंगा, मैं हर बंदे को कम्युनिकेशन में सिस्टम को फॉलो करूंगा, जो भी हमारा 6666 का जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैं फॉलो करूंगा, और उस सिस्टम के फॉलो करने के मात्र से नहीं, लेकिन उस सिस्टम को जब एक लीडर जीने लगता है और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है, जब उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब हम कह सकते हैं ये लीडर हमारा डुप्लीकेट हुआ है। वो इंडिपेंडेंटली जाकर जहाँ कहीं पर भी जाएगा, वहाँ पर वो जाके एक पेन और पेपर लेकर, जैसे उसने काम करने की शुरुआत की, उसको सिर्फ एक पेन और पेपर चाहिए, और उसने अपनी कलाकारी दिखाने का शुरू किया,
लोग वहां पर टीम बननी शुरू हुई, भले उसको लैंग्वेज नहीं आती, वहां पर लोग नहीं जाते, एक नए एरिया के अंदर वो बिल्डअप करना शुरू करता है और जाता है और वहां पर मोमेंटम बना के रख देता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दिस लीडर इज नाउ डुप्लीकेट। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो मैं आज से पहले इस बिजनेस के पहले जो मैं नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में मुझे अपने आप को अमीर बनाने के लिए, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, जो प्रैक्टिस में कर रहा हूं, जो ट्रांसफॉर्म मेरे में आ रहा हूं, जो पहले मैं नहीं उठता था टाइम पे और वो मैंने शुरू किया, मैं पहले बुक नहीं पढ़ता था, मैंने बुक पढ़नी शुरू की, उसके बाद मेरे अंदर कुछ आदतें थी, जो आदतें मुझे बदलने की जरूरत थी वो आदतें मैंने बदली, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आता था, मेरा बात करने का तरीका सही नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो हर सारी चीज को मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि डुप्लीकेट जो है वो पहला लेवल है जब लोग डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन एक लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, और जो लीडर खुद ट्रांसफॉर्म होता है जब लोगों को लगता है कि इसके अंदर बदलाव आ रहा है, ये बहुत ही सीरियस है, ये अपने काम के प्रति जो है वो सीरियस है, तब लोग उसे फॉलो करना शुरू होते हैं, तब लोग उसकी बातों के भरोसा करना शुरू करते हैं, तब लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसे आइडियल मानते हैं, उसे मेंटर मानते हैं, और तब आपके उस लीडर के बगैर भी वो परिणाम हासिल होने लगते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यानी उसके बगैर भी लोग, नए नए लोग जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको ज्यादा अनुभव नहीं है, जिसको ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, जो नेटवर्क बिजनेस में बहुत लंबे समय से नहीं है, लेकिन वो लोग भी अनचाहे बड़े बड़े परिणाम लेकर आ रहे हैं, और उसका मतलब ये है कि उनके लीडर जो है उनसे वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, और उस लीडर से डुप्लीकेट हो रहे हैं जो लीडर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। यानी व्हेन कैन यू यूज दिस लाइन दिस लीडर इज नाउ डुप्लीकेट, जब एक लीडर के अंदर, जब एक व्यक्ति के अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखने लगते हो, और जब वो सिस्टम को फॉलो करता है, और जो सिस्टम से आप काम कर रहे हो वही काम कर रहा है, और उस रिजल्ट को रेप्लीकेट करता है, उस रिजल्ट को डुप्लीकेट करता है, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करता है, तब आप कह सकते हो कि यस, हमारा लीडर डुप्लीकेट हो चुका है। डू यू फॉलो द फी सम फिक्स स्टेप, यानी इसके लिए हमें सम फिक्स स्टेप्स को फॉलो करना है, और दैट इज कॉल्ड सिस्टम। हमारे सिस्टम के नियम बनाए हैं, उस नियम को हमें फॉलो करना है, जैसे कि 4 बेसिक है, जैसे कि 6 पावर है, 6 नेवर है, 6 कोर स्टेप है, तो उसी स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, और उसी स्टेप को जब हम फॉलो करेंगे वही चीज डुप्लीकेट होगी, तो अनकंट्रोलेबल मोमेंटम आएगा, और डुप्लीकेशन के बाद हमारा, जब हम डुप्लीकेशन जो है वो करना शुरू करते हैं, जब सिस्टम को फॉलो करना शुरू करते हैं, और हमारा मोमेंटम जो है काम के अंदर की एक जगह पे, यानी फैक्ट्री की तरह काम हो रहा है, जैसे मैंने हर जगह जा पे जाके जा जाके मेहनत की, हर जगह जा जाके मेहनत की, लेकिन एक समय आया कि ये हर जगह पर जो है, जिस तरीके से हम रिजल्ट लेते हैं, जिस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स जो है उसके अंदर हम जब गर्म होता है तब हम जैसे ही हमारे बीज डालते हैं, और जिस तरीके से फटाफट जो है वो पॉपकॉर्न बनने शुरू होते हैं, तो वैसा ही हमारी मेहनत के बाद जब हर जगह पे ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो ये कैसे होगा जब हम हमारे बिजनेस के साथ हमारे सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। क्या हम, तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कैन यू डुप्लीकेट एवरीवन, क्या हम सभी लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है हर व्यक्ति को डुप्लीकेट करना? हर व्यक्ति को डुप्लीकेट करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति डुप्लीकेट होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटेंशन, हम कई बार समझते हैं कि इतना बढ़िया मैं सिखा रहा हूं, इतना बढ़िया मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा है, ये मेरे जैसा नहीं कर पा रहा है, तो हम हर किसी को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, कुछ हाँ, डू यू सिलेक्ट लीडर फॉर डुप्लीकेट, तो इसका जवाब है यस, हम लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें 80% समय किसके साथ, आज मैंने किसी के साथ रजिस्ट्रेशन किया, अब 2 महीने से मैं उसी के साथ लगा हुआ हूं, 2 महीने के साथ मैंने पूरी मेहनत, वो कब छूट फ्री होके आ रहा है ना, तो उसके पहले मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, फिर बोल रहा आज तो नहीं सेट होगा, हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे 80% टाइम उन 20% लोगों के साथ देना है जो डुप्लीकेट हो सकते हैं।
मुझे हर किसी के साथ समय नहीं देना है, लेकिन मुझे किसी को इग्नोर भी नहीं करना है। मुझे बाकी जो 20-80% लोग हैं उनको मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है कि सर ये लिस्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हमें सर सेमिनार आना है तो अगले सेमिनार में आओ। इस तरीके से हम सेमिनार तक उन्हें लेके आएंगे, हर व्यक्ति को लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा जो समय है वो 80% समय हमारे चुने हुए 20% लोगों को ही देना है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि 2 महीने 3 महीने के काम करने के बाद वो हथियार रख देगा, वो पानी में बैठ जाएगा, उसे उठाने में हमें भी वो बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उसके बाद बावजूद भी वो उठेगा नहीं, हमें लगेगा हमारे 3 महीने वेस्ट हो गए इसके साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सिलेक्ट करना है कि आज मुझे इस महीने मुझे किसके साथ काम करना है, अगले महीने मुझे किसके, यानी हर महीने मुझे चेंज करते रहना है, लेकिन मुझे उन लोगों को भी साथ में रखना है जिनके ऊपर मैंने 1 महीना 2 महीना समय दिया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चुनाव करना। डू यू हैव रिकॉर्ड एंड टारगेट ऑफ डुप्लीकेशन? यस, मेरा टारगेट होना चाहिए कि अगले महीने मेरे टीम के अंदर ये लोग नए स्पॉन्सर हुए हैं तो उनको मैं चाहूंगा कि मैं उनको डुप्लीकेट करूं, उनके साथ काम करूं, उन्हें लीड बाय एग्जाम्पल, उनको करके दिखाऊं। बिकॉज डुप्लीकेशन जो है, ये जो है मेरा टारगेट जो है, अगर मैं सोचता हूं कि मुझे पूरे साल के अंदर 12 लोगों को डुप्लीकेट करना है, हर महीने नए नए लोग, तो पुराने छूटने भी नहीं चाहिए, उनको भी साथ में लेके चलना है, उनको भी फॉलो अप सिस्टम में, उनको भी कंटिन्यूअसली फीडबैक प्रोग्राम में मुझे रखना है। तो डू यू हैव रिकॉर्ड? मुझे एक रिकॉर्ड रखना है, यस, कि वहां पर जो मैंने पिछले महीने इनके साथ इतने प्लान किए थे, अब रिजल्ट क्या है। तो जब हम किसी को सिखा देते हैं और पूरे महीने उसके साथ लगा देते हैं, तो उसके बाद जब दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं होता है, उसे कंटिन्यूअस फीडबैक में रखना है, और वो हमारा सिस्टम ही हमें बताता है कि हम डेली कम्युनिकेशन में उसके साथ है। जब उसे हमने जंगल में छोड़ा है तो हमने उसको दिखाया है कि किस तरीके से हर प्राणी के साथ ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से जो है लोगों के साथ जो है हम रिजल्ट लेते हैं, किस तरीके से निपटना है हमें, ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या करना है। उसके बाद जो है हम उसको पूरा, उसके साथ 5 घंटे नहीं है लेकिन रोज उसके साथ बात कर रहे हैं, और वो भी बताएगी कि सर आज मेरे साथ वैसा ही हुआ, कैसा हुआ, जैसा उस दिन हुआ था, और मैंने वैसा ही किया जैसे आपने किया था। तो ये हमारे एक्शंस जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, जैसा हम उनके साथ काम करते हैं वो डुप्लीकेट होता है, और डुप्लीकेशन इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। जो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो देखते हैं, वो नहीं करेंगे जो हम बताते हैं और वही करेंगे जो हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डू यू हैव रिकॉर्ड? टारगेट हमारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी डायरी के अंदर इंटेंशनली होना चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं डुप्लीकेट करने जा रहा हूं तो इसके साथ मेरे रेगुलर रेगुलर कम्युनिकेशन होगा, इसके साथ मेरी बातचीत होगी। हाउ टू सिलेक्ट पर्सन फॉर डुप्लीकेशन? अब मैंने मेरी टीम के अंदर मान लो अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, 8-10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया हुआ है, 8-10 लोगों मेरी टीम के अंदर आ चुके हैं, अब मुझे कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या नियम होने चाहिए? अब 10 लोगों की लिस्ट मेरे पास मान लो बनी पड़ी है, ठीक है, 10 लोगों की लिस्ट मेरे पास प्रोग्रेस चार्ट के अंदर बनी पड़ी है। अब मैं देख रहा हूं, प्रोग्रेस चार्ट लेके बैठा हूं कि मुझे किसी को डुप्लीकेट करना है, तो मैं देखूंगा कि ए बी सी डी कि भाई कौन कौन है यहाँ पर, पूरव है, धर्मेश है, इस तरीके से बंकिम है, और उसके बाद है इस तरीके से अलग अलग नाम है, जिग्नेश है, योगेश है, फिर बहुत सारे नाम है मेरे पास कि जिसमें से मुझे डुप्लीकेट करना है, मुझे किसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मेरे पास ये 10 नाम है, तो अब मैं 10 लोगों के साथ तो काम नहीं करूंगा, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो काम है वो मुझे देखना होगा कि किसको नीड है। पहला क्राइटेरिया मुझे, मैं उनके साथ मिल नहीं रहा हूं लेकिन मैं पहले तो सिलेक्ट कर रहा हूं कि सबसे पहला नीड किसको है, जरूरत किसको है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीड जो है किसके ड्रीम है, किसके सपने हैं, कौन एम्बिशियस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मुझे देखना है कि नीडी कौन है, भूखी नहीं है, उसके पास बहुत है, एक चीज है, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास महत्वाकांक्षा ही नहीं है। दूसरा, उसके पास महत्वाकांक्षा है, कुछ करना चाहता है, नीड है, उसको हम नीड कहेंगे, जरूरत भी है तो
तो नीड जो है वो है कि जो उसको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, एक्शन लेने के लिए, वो आपको परेशान कर रहा है। परेशान मतलब कि आपकी, आप भले काम में हो लेकिन बार बार वो उस आगे बढ़ने के लिए उसको सर करना क्या है, जब आप उसे कुछ बताते हो तो तुरंत इंप्लीमेंट कर देता है। यानी कि आपको पहला चीज है नीड देखनी है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है क्या वो सबमिट करता है। अगर ये दो चीजें हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। सबमिट यानी कि जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं, जो मैं करवाना चाहता हूं, क्या उसके साथ वो सबमिटेड है या फिर वो अपना दिमाग लगा रहा है। अगर हर जगह पे अपना दिमाग लगा रहा है तो उसे छोड़ नहीं देना है, उसको हमें अपने 80% लोगों में शामिल करना है जिनके साथ जब हमारे पास स्पेयर टाइम है या कभी कभार हम उसके साथ काम के लिए, अपना प्रैक्टिस के लिए हम जा सकते हैं, हमारी खुद की प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेरी तलवार की धार जो है वो कमजोर ना हो जाए। तो इसके लिए हमें काम करना है। तो हमारा पहला जो है, हमें नीड देखना है, नीड एनालिसिस करना है कि उसके पास नीड है, उसके बाद क्या वो सबमिट कर रहा है, उसके बाद क्या वो, तीसरी चीज क्या वो शार्प है। सर इसको है ना बहुत जरूरी है और मैं जैसा बोलता हूं ना वैसा वो मान जाता है, लेकिन वो शार्प नहीं है, यानी मैंने जो किया उसको करने में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे किया जाए। शुरुआत में हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, लेकिन आप देखोगे आपको सरप्राइज होगा कि जैसे मैंने प्लान दिखाया था, जैसे मैं फॉलोअप कर रहा था ना, अब वो वही आपको दिखेगा कि जब आप थोड़ा सा हट जाएंगे अपने फोन्स वगैरह मीटिंग के बाद अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी तरह ही वो वही एग्जाम्पल को यूज करके उसने ट्राई शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये जिसका मतलब है शार्प, वो तुरंत कैचअप कर लेता है। तो मेरे साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। तो जिनका ड्रीम है, जो सबमिशन में है, सबमिट करते हैं, जिनके जो जो शार्प है, एम्बिशियस है, जिस क्रेडिबल है, यानी कि उसके साथ जब मीटिंग सेट हुई तो उसने बोला कि सर मेरे घर है ना, मैंने 8-10 लोगों को बुलाया है, लेकिन जब आप पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं आया, जबकि आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, वो हर बंदे को फोन कर रहा है, लेकिन लेकिन लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए, हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा क्रेडिबल नहीं है, उसकी क्रेडिट नहीं है, उसने अपना क्रेडिट वैल्यू नहीं बनाया है। जब वैल्यू नहीं होगी, जब क्रेडिट नहीं होगी, तो उसको आप डुप्लीकेट करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको भी डुप्लीकेट नहीं करना, ऐसा नहीं है। उसको रिजल्ट कब आएगा, जब उसकी टीम के अंदर एक क्रेडिबल बंदा आएगा और उसको काम आ जाएगा, तो उसको साथ में रखना है। लेकिन फिर भी वो आपके 100%, 80% लिस्ट में नहीं है, वो 20% लिस्ट में है। तो जो बंदा नीडी है, जो बंदा सबमिट करता है, जो बंदा शार्प है, एम्बिशस है, क्रेडिबल है, एक्शन टेकर है, तो ये 6 चीजें जिसके अंदर होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें स्टार मार्किंग करनी है, जैसे कि नंबर है पूरव, तो सबसे पहले मुझे देखना है क्या इसको जरूरत है, नीड है, तो मुझे, मैंने एक स्टार लगा दिया। अब वैसे जिन जिन लोगों को जरूरत है, तो 10 में से 6 लोगों को दिख रहा है कि जरूरत है, अब मेरी बात कौन मानता है, तो यस पूरव, यस ये मेरी बात को मानता है, अरविंद ये मेरी बात को मानता है, ये एक्स बंदा है तो ये मेरी बात को कभी कभी इतना ज्यादा नहीं समझता, क्यों, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा अमीर है, ज्यादा अच्छे सोसाइटी में है, तो वो ये समझ रहा है कि मुझे, तो ये मुझे सबमिट नहीं करता है, तो 1 स्टार वहां पर कम हो गया। तो कहने का मतलब, जब आपके पास 5 स्टार या उससे ज्यादा होंगे तो आपके पेज के ऊपर वो लिस्ट बन चुकी होगी कि अब मुझे किसके साथ 80% टाइम देना है, किसके साथ मुझे 20% का टाइम देना है। तो इसको बोलते हैं, जब आप किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू यूज अ स्टार मार्किंग, स्टार लगाते जाओ। नीड है, यस ये तो शार्प है, ये तो 2-3 प्लान इसके साथ किए थे, जब मैंने उसको बोला कि सर कल मीटिंग है, एक्चुअली हमारा अर्जेंट में मिलना है, थोड़ा सा प्लानिंग करना है, तो उसने बोला यस सर मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ, मैं हाफ डे रखते हूँ, दोपहर के बाद छुट्टी रख देता हूँ, आ जाता हूँ। यानी सबमिट भी करता है, यानी नीडी भी है, उसके बाद क्रेडिबल भी है, एक्शन टेकर भी है, उसके बाद एम्बिशियस भी है, शार्प भी है, और उसका क्रेडिट भी है। तो ये हमारे लीडर्स बनेंगे। एनी टाइम लिमिट फॉर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हमेशा चलता रहेगा। पहले मैं डुप्लीकेशन करूंगा, लिस्ट बिल्डिंग करवाने का, प्लान करवाने का, फिर वो फॉलोअप का डुप्लीकेशन होगा, फिर वो विजन क्लियरिंग करने में कामयाब होगा, फिर वो सेमिनार, मैं जैसे सेमिनार कर रहा हूँ तो काउंसलिंग कर रहा हूँ, हर चीज को डुप्लीकेट किया जा सकता है। और ये लंबा प्रोसेस है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको आने वाले 3 महीने के अंदर जो व्यक्ति करना शुरू कर देता है,
तो आपका डुप्लीकेटर है। आपको लगेगा 6 महीने के बाद भी आप किसी के लिए प्लान दिखा रहे हो, 6 महीने के बाद भी आप प्लान दिखा रहे हो। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, तू देख, अब तू कर और मैं देखता हूं, अब मेरी जहां पर जरूरत लगेगी वहां पर मुझे बुला और तू कर, फिर तू वो लोगों को सिखा। इस तरीके से सेफ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, नहीं कि भाई मैं, मेरा ये बहुत अच्छा लीडर है ना, तो ये जहां कहीं पे भी जाता है उसके लिए मैं प्लान और फॉलोअप करता हूं। हम दोनों जब साथ में होते हैं तो मैं ही प्लान करता हूं। अगर आप किसी के साथ 3 महीने से ज्यादा काम कर रहे हैं और मैं आपको सवाल पूछूं कि आप इसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके भी साथ काम कर रहे हैं, क्या आपने उसका प्लान देखा है, क्या आपने उसका फॉलोअप करते हुए देखा है, और आपका जवाब आता है नहीं सर मुझे, मैंने नहीं देखा, इसका मतलब आप डुप्लीकेशन की गेम में नहीं हो, आप वन टाइम सेल की गेम में हो, आप टेम्पररी काम करने के अंदर हो। यस सर मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा विजन क्लियर करता है सर, ये आपने देखा हुआ है और उसको 6 महीने हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है बढ़िया है। 3 महीने के अंदर प्लान फॉलोअप, आपको पता है कि आपका टीम लीडर कैसे प्लान कर रहा है, अगर आपको पता है कि वो कितना टाइम ले रहा है, आपको पता है कि जिस स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं उसी स्टेप को वो भी फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू डू आफ्टर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बाद हमें एक, हमें क्या करना है, हमने किसी एक को डुप्लीकेट किया, उसके बाद दूसरे को, किसी को, तीसरे को, डुप्लीकेशन के बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीडर अगर ट्रांसफॉर्म होता है तो जिस तरीके से आप काम करते हो उसी तरीके से वो भी डुप्लीकेशन की प्रोसेस करता है। ऐसे अगर आपके 5 लीडर है तो 5 जगह पे आपका डुप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हुआ है, 10 लीडर है तो 10 जगह पे वो डुप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। वेन कैन यू स्टॉप डुप्लीकेशन एंड वाई, आपको डुप्लीकेशन जो है वो कब स्टॉप करना होगा और वाई। आपको एक प्रकार के काम को पूरी जिंदगी डुप्लीकेट नहीं करना है, काम के प्रकार को डुप्लीकेशन करना है, और यहां पर हम देखेंगे कि हमें कभी भी डुप्लीकेशन के प्रोसेस को बंद नहीं करना है, हमें कभी भी डुप्लीकेशन के प्रोसेस को बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है, हमें डीप डेप्थ में करते रहना है। क्योंकि आज हमने इस पेज की जेरोक्स करवाई, अब इस पेज के जेरोक्स को मैं वापिस करवाता हूं, ये ओरिजिनल कॉपी है जो मैंने लिखा था, ठीक है, जो डुप्लीकेशन के ऊपर मैंने लिखा था ये ओरिजिनल कॉपी है, अब इसको मैंने जेरोक्स करवाई, अब मेरे पास दूसरी कॉपी आ गई, अब मेरे पास दूसरी कॉपी आ गई जेरोक्स की, ठीक है, अब इसको मैं जेरोक्स करवा रहा हूं, अब मेरे पास तीसरा पेज आ गया जेरोक्स का, फिर चौथा, ऐसे करके अगर मैंने 10 पेज, 10, 20, 25 जेरोक्स कर लिए हैं, उसके बाद 25 के बाद कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि इस ओरिजिनल को मैं हर जगह बार बार जो है वो डुप्लीकेट करूं, मुझे ये ओरिजिनल को बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास जो है एक इंजन है और उसके पास 5 डिब्बे हैं, 10 डिब्बे हैं, तो उसके बाद 10 के बाद इंजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन 10 डिब्बे के बाद वापिस एक इंजन रखा हमने और फिर और 5 डिब्बे जोड़ दिए या 10 डिब्बे जोड़ दिए, तो स्पीड वही बनी रहेगी। अब 20 डिब्बे हो चुके हैं लेकिन 2 इंजन है, वैसे ही तीसरा इंजन जो है 20 डिब्बों के बाद लगा, तो हमारी ताकत और भी ज्यादा बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना है कि डुप्लीकेशन इज अ कंटिन्यूअसली प्रोसेस, और हमें ओरिजिनल की हमेशा जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए हमें डुप्लीकेशन जो है वो लगातार नए नए लोगों के साथ करते रहना चाहिए। पीपल कैन डुप्लीकेट बाय वर्ड्स और एक्शन, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लोग हमारे कहने से डुप्लीकेट नहीं होंगे। सो वेरी फ्यू पीपल आर इज ऑन कैमरा, लेट मी गिव अ 1 मिनट एक्सरसाइज, मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी नींद भी उड़ जाएगी, आप लर्निंग मोड के अंदर फोकस में आ जाएंगे। सो रेज योर हैंड्स, आप अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखे, यस दोनों हाथों को अपने सामने रखे, अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाए, ऊपर की ओर उठाए, ऊपर की ओर उठाए, धीरे धीरे यू कैन टच योर हेड्स एंड हेयर्स, आप अपने सिर को टच करें, यस आपको टच की फीलिंग आ रही है, यस आपको टच की फीलिंग, देन कैन यू कैन टच योर शोल्डर्स, आप अपने शोल्डर्स को, आप अपने आप को शाबाशी दो, यस हैड्स ऑफ टू यू, आपने कुछ अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, देन यू कैन राइज योर हैंड एंड टच योर चीक्स, टच योर चीक्स,
टच योर चीक्स, देखो दिस इज नॉट चीक्स, दिस इज चिन, हमें गालों को टच करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हम बोलते हैं वो नहीं करते हैं लोग, जो हम करते हैं वही करते हैं। आई हैव अ 4-year daughter कि एक दिन वो अब खेलते खेलते फोन कर रही थी, खेलते खेलते फोन कर रही थी, तो अब बोले कि यानी कि वो जब बात करते हैं ना बच्चे, तो वो बोलती है कि हाँ, जस्ट मैं अभी पहुंच रहा हूँ, तो अभी पहुंच रहा हूँ। तो जैसे हम बात करते हैं वैसे वो डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, अब एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा खाना टेबल के ऊपर है, मैं बोला हाँ खाना खा के आ रहा हूँ, तो मैंने बोला बेटा तू कहाँ पे, खाना तो तू नहीं खा रही है, क्यों ऐसा बोल रही, किसी के साथ फोन पे बात कर रही है कि मैं खाना खा रही हूँ। पापा आप भी टेबल पे खाना नहीं खा रहे थे और आप भी बोल रहे थे कि फोन पे कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो पीपल कैन डुप्लीकेट बाय और योर एक्शन, जो हम करेंगे उसी से डुप्लीकेशन होगा, सिखाने से डुप्लीकेशन नहीं होगा, बोलने से डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेट वर्ड बाय नोविंगली अननोविंगली, हमें पता ही नहीं होता है कि हम हमारे स्वभाव के साथ, हम स्वभाव के वजह से जो है ना कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो डुप्लीकेट हो जाता है हमारी टीम के अंदर। जो व्यवहार हम करने लगते हैं वो डुप्लीकेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वो डुप्लीकेट जरूर होता है। क्योंकि जब आप एक अच्छी पोजिशन पे हो और लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो फॉलो करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आप जो भी करते हो उन आदतों को भी वो फॉलो करना शुरू कर देते। तो डुप्लीकेशन वर्क्स बाय नोविंगली और अनकोनोविंगली, यानी कि मुझे नहीं पता है फिर भी मैं जो लोगों के साथ, टीम के साथ जो भी कर रहा हूँ वो सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाती है। मुझे नहीं पता है, मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो काम करने की स्टाइल है, वो सारी चीज नोविंगली अनलोविंगली डुप्लीकेट होती है और डुप्लीकेशन के अंदर वो चीज शामिल हो जाती है। तो मेक श्योर अबाउट योर एक्ट्स, डीड्स, एक्टिविटीज और हैबिट्स, जो वर्ड्स जो भी आप करते हैं उसको कॉन्शियसली करें, क्योंकि राइट नाउ यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, आप लोगों के साथ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको डुप्लीकेशन जो है किस तरीके से, आप टी शर्ट के अंदर ऐसे ही कैजुअल के अंदर जो है नॉर्मल ड्रेस कोड के बिना सैंडल में किसी को मीटिंग करने के लिए जा रहे हो और प्लान दिखा रहे हो, आपने शूज नहीं पहना है, तो ये चीज भी इनडायरेक्टली डुप्लीकेट होगी, अनप्रोफेशनलिज्म भी डुप्लीकेट होगा। कैन वी डुप्लीकेट समवन बाई जस्ट अ फ्यू मीटिंग्स, क्या कुछ मीटिंग करने से हम डुप्लीकेट्स कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नो। एक दो मीटिंग कर दी सर, अब ये हो गया, ये सीख गया, एंट्री निकाल ली इसने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डुप्लीकेट हो चुका है। डुप्लीकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये होगा। कैन आई गिव समवन विच आई डोंट हैव, जो चीजें मेरे अंदर ही नहीं होगी और मैं सिखाने जाऊंगा, जो मैंने किया ही नहीं है वो सिखाने जाऊंगा, सो वो चीज डुप्लीकेट नहीं होगी। यस, वो चीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगी। तो यहाँ पर व्हेन कैन वी स्टार्ट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन स्टार्ट विद द डे वन, पहले दिन से ही डुप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और हो जाना चाहिए, डे वन से डुप्लीकेशन होगा। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना, पीपल आर वेरी कीन टू ऑब्जर्व यू एज अ सीनियर, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि किसी का फोन आता है तो आप कैसे बात करते हैं, आप किस तरीके से क्या करते हैं, वो सारी चीजें जो है लोग डुप्लीकेट करते हैं। तो डुप्लीकेशन हर वक्त कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है और आप सोचेंगे कि ये मैं तो करूंगा लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं होने दूंगा, दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। वो चीज आपके जाने अनजाने में ऑलरेडी आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर जो है वो डुप्लीकेट हो रही है। कैन यू डू सेपरेट ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन, इसको हम बदल कर सकते? सर अभी मैं है ना डुप्लीकेशन में लगा हूं तो क्या रिजल्ट कम आ रहे हैं? अब क्या है, मैं मेरी टीम को सर तैयार कर रहा हूं, तो जब हम तैयार कर रहे हैं ना सर, तो क्या है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा? नो, डुप्लीकेशन जो है वो सेपरेट नहीं है, ग्रोथ और डुप्लीकेशन दोनों साथ में चलता है। मैं काम कर रहा हूं और साथ में लोगों को सिखा रहा हूं, काम कर रहा हूं और सिर्फ सिखा रहा हूं, सिर्फ सिखाना नहीं होता, बिकॉज वी आर डूइंग बाय पीपल आर लर्न बाय डूइंग थिंग्स, करने से वो होगा, लोग आपके एक्सपीरियंस से, लीडर्स आर लीड बाय एग्जाम्पल, मैं करके दिखा रहा हूं और जब करके दिखा रहा हूं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और रिजल्ट प्रोड्यूस होते हुए वो लीडर देख रहा है, वो डुप्लीकेट हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये डुप्लीकेशन है। डू यू एक्चुअली बिलीव व्हाट यू से, आप जो बोल रहे हो
क्या आपको उसके बारे में भरोसा है? क्योंकि आपका, आप जो बात कर रहे हो, ये भरोसा अगर आपके साथ, आपके माइंड में, आपके बिलीफ लेवल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो चीजें काम करती है। पीपल आर ऑफ्टन सेज कि सर मेरी बात है ना ये मानता ही नहीं, एक काम करो ना आप इसको ये बताओ, सर ये मेरी बात मेरी टीम फॉलो नहीं करती है, ये बिलीव क्यों नहीं होता है? डू यू एक्चुअली बिलीव व्हाट यू से? तो क्या आपको आपके जो भी आप कर रहे हो उसके ऊपर बिलीव है? लोगों के ऊपर आपका भरोसा कब आएगा? जब आपको भरोसा होगा जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। और वो कब होगा? जब आपको कंपनी, प्रोडक्ट, सिस्टम और सीनियर, ये चारों चीजों के ऊपर आपका बिलीव लेवल जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है आपके खुद के बिलीफ लेवल को बड़ा करेगा। यानी मुझे अगर पूरा भरोसा है तो मेरे एक्शन के अंदर, मेरे वर्ड के अंदर वो बिलीफ दिखेगा और मेरी टीम भी फॉलो करेगी। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड कैरेक्टर, यानी कि इमेज और कैरेक्टर के बाद, इमेज जैसा हम लोग हमारे बारे में जानते हैं, दैट इज एक हमारा इमेज बना हुआ है, लेकिन जिसके ऊपर हमारे हैबिट्स, हमारे वैल्यू, हमारे कल्चर, हमारे एथिक्स, बहुत सारी चीज जो हम अपने आप को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। और वो जो है, इमेज एक होता है लेकिन डुप्लीकेट जो है वो कैरेक्टर होता है। आपके रिजल्ट की एबिलिटी, आपके काम करने का तरीका, आपका लोगों को केयर करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। एंड वही डिफरेंस है, एक इमेज तो बना होता है लेकिन जब हम काम करते हैं अपने कैरेक्टर के ऊपर तो कैरेक्टर एक्चुअली डुप्लीकेट होता है। सो कैरेक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप 1 करोड़ रुपए कमाने के प्रोसेस के अंदर आपका क्या व्यक्तित्व बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब व्यक्तित्व बनता है तो एक इमेज क्रिएट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज जो इमेज है वही कैरेक्टर हो। तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड कैरेक्टर, एंड डुप्लीकेट मीन्स समवन शुड वर्क विदाउट मी फॉर एवर, इज इट ट्रू? ऐसा नहीं होगा कि चलो मैंने किसी को एक बार सिखा दिया और पूरी जिंदगी वो काम करेगा। जब वो ट्रांसफॉर्म होगा, जब वो ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी छत्र छाया में भी वो काम करता रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो सिर्फ डुप्लीकेट हुआ है तो उसको आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। जब एक लीडर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वहां पर आपके बगैर भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। कई लोग सिस्टम के अंदर नहीं है फिर भी वो काम हो रहा है, और वो वहां से काम हो रहा है जहां से किसी लीडर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। टूल्स फॉर फास्ट डुप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो प्रोग्रेस चार्ट, आप यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, प्रोग्रेस चार्ट, योर ड्रीम बुक, योर डेमो किट, योर डेली रूटीन, प्रेजेंटेशन फाइल, वीडियो, जूम मीटिंग, पर्सनल काउंसलिंग, ड्रेस कोड, योर एक्शन, ये सारी चीजें जो है ना, ये टूल्स है जो डुप्लीकेशन करते हैं। जैसे मैं कपड़े पहनूंगा, जैसे मैं काम करूंगा, जैसे मैं प्रेजेंटेशन फाइल को यूज करूंगा, वैसे डुप्लीकेशन होगा। हाउ कैन वी डुप्लीकेट? हम कैसे डुप्लीकेशन हो सकते हैं? हम कैसे डुप्लीकेट हो सकते हैं? हम कैसे डुप्लीकेशन? रितु राणा प्लीज माइक बंद करो। यस, सो हाउ कैन वी डुप्लीकेट? तो कॉन्फ्रेंस कॉल विथ एक्साइटेड अपलाइन, डुप्लीकेशन जो है, हाउ कैन वी डुप्लीकेट, कैसे डुप्लीकेशन कर सकते हैं? ये थ्री वे कॉल, थर्ड पार्टी कॉल, हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल, दो बात कर रहे हैं लेकिन अपने बीच में सीनियर को ले लिया कि सर मैं एक बहुत अच्छे लीडर के साथ अभी एक्चुअली काम कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एक रिजल्ट आज लिया हुआ है, एक्चुअली वो हमारे साथ 1 महीने से है, 2 महीने से, और मैं चाहता था कि सर जिस तरीके से लगन से काम कर रहे हैं, ही इज अ न्यू लीडर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा ये नए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, सर सर मैं चाहता हूँ कि सर 2 मिनट अगर आपके पास टाइम हो तो सर 2 मिनट इनके साथ बात कीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल विथ एक्साइटेड अपलाइन, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करके डू ऑल एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ सिलेक्टेड लीडर, जिनके साथ आपने सिलेक्ट किया है कि ये मेरे 80% की लिस्ट में जो डायरी में फर्स्ट पेज के ऊपर है, ठीक है, तो डू ऑल एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ सिलेक्टेड लीडर, तो वो सिलेक्टेड लीडर के साथ यानी कि आप क्या कर रहे हो ना, ये उनको समझ में आना चाहिए, वो पता चलना चाहिए कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, तो ये डुप्लीकेट करता है। वर्क विथ 8 बेसिक, यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चलो आज लिस्ट बना के रखो मैडम, हम लोग आके आपको आपके टीम के अंदर आपके लोगों को प्लान दिखाएंगे। वर्क विथ 8 बेसिक, चलो आज मैडम हम लिस्ट बनाते हैं, आपका प्रोग्रेस चार्ट निकालो,
आपका मोबाइल फोन ऑन करो, हम जो है लिस्ट बनाते हैं मैडम। उसके बाद लिस्ट पूरा हो गया 300 लोगों का, अब हम कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। आप फोन जो है वो बात करो, और आपको जहां कहीं पे आप बातचीत करने में दिक्कत आती है तो आप बोलो कि मेरे साथ सीनियर भी है, इसके रिगार्डिंग मेरे सीनियर बात करेंगे, तो मुझे फोन दो। तो जहां पर सवाल आया, एक्चुअली है क्या? नहीं एक्चुअली ये है ना बिजनेस है। तो क्या है? ओके सर, 1 मिनट, एक काम करो, मेरे सीनियर बैठे हैं। तो आप क्या है, 8 बिजी, लिस्ट बना के दिखाना, बात करके दिखाना, प्लान करके दिखाना, फॉलो अप करके दिखाना। मैं कर रहा हूं, तू देख, अब तू कर, मैं देखता हूं, अब तू कर, जहां पर जरूरत है, नहीं समझ में आता है वहां पर मुझे बता। तो वर्क विथ 8 बेसिक जो है इंपॉर्टेंट है। अटेंड रेगुलर सेमिनार, आस्क क्वेश्चन रेगुलरली आफ्टर सेमिनार, यस मीटिंग और अपलाइन, आस्क क्वेश्चन रेगुलरली आफ्टर सेमिनार और मीटिंग विथ अपलाइन क्वेश्चन आंसर, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये खत्म नहीं होता है, यूजिंग मोर टूल्स, इट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग गेम। डुप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब आप किसी के ड्रीम सुनते हो, ड्रीम के बारे में डिस्कस करते हो और उसके सपनों की केयर करते हो, आपको उसके सपने के बारे में पता है, एंड इफ यू रियली वांट टू अकॉम्प्लिश हिज ड्रीम, और आप जब प्रार्थना करते हो कि भाई ये मेरे टीम के अंदर आया है, इसके सपने पूरे होने चाहिए, जब आप ये ख्याल मन में लाते हो, तो आप उसकी जब केयर करते हो, और जब किसी केयर की करते हो, किसी के सपने की केयर करने लगते हो, और आप दिल से चाहते हो कि ये सपना उसका पूरा हो, तो आपका केयरिंग नेचर जो है उससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है। केयरिंग नेचर से रिलेशनशिप बिल्ड होता है, इट्स रिलेशन, और रिलेशन बिल्ड होता है तो योर इस गेम का नाम जो है डुप्लीकेशन। यहां से आपका डुप्लीकेशन भी संभव होता है। यूज चेकलिस्ट फॉर डुप्लीकेशन, कौन कौन से हैं? तो ड्रीम बुक, गोल चार्ट, आप अपने टीम के साथ जो काम, आपकी जिसके साथ काम कर रहे हो उसके सपनों के बारे में देखो, क्या उसके सपने हैं और सपने लिखे हैं, क्या आपको भी पता है कि सर मेरी टीम के अंदर ये काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको पता है कि उसका सपना क्या क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चेकलिस्ट है कि डुप्लीकेशन, चेकलिस्ट फॉर डुप्लीकेशन। मैजिक कॉर्नर, उसके घर में प्रोडक्ट का डिस्प्ले रखा हुआ है, उसके घर के ऊपर, घर के अंदर 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है, वॉशरूम के बहाने उसके बाथरूम में जब जाएंगे तो ऐसा नहीं, लिरिल लक्स और डेटोल पड़ा हुआ है, कॉलगेट और पेप्सोडेंट पड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैजिक कॉर्नर, उसके वहां पे जहां कहीं पे भी जाते हो, यू गो टू बाथरूम, आपको वॉशरूम जाना है वहां पे, और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। लिस्ट एंड कॉन्टेक्टिंग जो है उसका आप चेक करो, प्रेजेंटेशन फॉलो ड्रेस कोड, लर्निंग बाय बुक्स, अपलाइन सेमिनार, इससे क्या वो सीख रहा है, कैन ही इग्नाइट द ड्रीम्स ऑफ अदर बाय विजन क्लियरिंग मीटिंग, अब क्या वो लोगों के साथ बात कर रहा है तो उसके सपने जाग जाते हैं, यस उसे भी कुछ करने का मन होता है कि यस मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे ऐसा कैसा जिंदगी नहीं जीना है, क्या वो फीलिंग उसके किसी के 20 मिनट मीटिंग के बाद होती है कि वो इग्नाइट यानी जलाना उसके सपने को, वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कर सकता है, कि उसको मिलने के बाद लोगों के अंदर वो स्पार्क आता है, उस अपलाइन को, उस अपलाइन से मिलने के बाद लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि यस मैं, मुझे अभी कुछ करके दिखाना है। तो कैन ही इग्नाइट द ड्रीम्स ऑफ अदर बाई विजन क्लियरिंग मीटिंग, उनके विजन क्लियरिंग की मीटिंग के बाद लोगों के अंदर वही विजन और सपने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो भी उसकी नींद उड़ जाती है, वो उठ के बार बार पानी पीता है रात को। अगर ये होता है आपके प्लान के बाद, आपके फॉलोअप के बाद, आपकी विजन क्लियरिंग के बाद, इसका मतलब यू आर एबल टू डुप्लीकेट। कैन दे गिव अ ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग क्या वो दे सकते हैं आपकी एब्सेंस में, कि चलो आपके जैसा तो नहीं लेकिन सर मैं दे सकता हूं, ये साइन है डुप्लीकेशन का। कैन दे डू कोल्ड कॉलिंग, कैन दे डू रिटेलिंग, इज ही अवर एक्चुअल यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स, यस जो मैंने बताया, चेक करो उसका बाथरूम की वहां पर प्रोडक्ट है कि नहीं, ठीक है। इफ यू डुप्लीकेट वन प्लान, यहां पर आपने वन प्लानर इन अ मंथ, 1%, ये रेशियो है, मैंने एक व्यक्ति को डुप्लीकेट किया, योगेश सर को, ठीक है, अब योगेश सर ने भी दूसरे को डुप्लीकेट किया, फिर ऐसे जिग्नेश सर, योगेश सर, पूरव सर, अरविंद सर, इस तरीके से हम देखते हैं कि दो दो, हर बंदा एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करता है, तो यहाँ पर 12 महीने में एक बहुत बड़ी फौज हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं अगर 1% काम भी यहाँ पर हो रहा है, अगर महीने में एक को डुप्लीकेट करने से, तो 160 लीडर अगर हमारे पास है और एक प्लान दिखाते हैं, तो 30, यहाँ पर हम देखेंगे कि 30 प्लान के हिसाब से महीने में 1800 प्लान होते हैं, और 2500, इसमें से अगर 2500 रिजल्ट मिलते हैं और 2500 रुपये का ऑर्डर यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 62,50,000 रुपीज का टर्नओवर हमारा हो रहा है।
यानी एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करने की ताकत बहुत है। कई बार हम 8-8 महीने से एक ही व्यक्ति के साथ इस तरीके से काम करते, तो हमें चेंज भी करते रहना है ताकि हमें पोटेंशियल लोगों तक हम पहुंच सके, और बाकी लोगों को हमें फीडबैक में रखना है, और 80-20 का गेम हमेशा हमें याद रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हमने आज डुप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर सीखा, और आई होप कि आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जबरदस्त सर, आज का सेशन ही आपने तो हार्ट पकड़ लिया सीधा अपने बिजनेस का डुप्लीकेशन, और हमें बहुत ही डीपली नॉलेज मिला है डुप्लीकेशन में कि डुप्लीकेशन का पावर क्या है। और फटाफट टाइम तो हो गया, पर फिर भी 5 मिनट हम देते हैं किसी को कुछ बोलना है आज के सेशन में, कुछ नया आपने जो सीखा है आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह। और सही मायने में आज डुप्लीकेशन क्या है वो हमें एकदम डीपली हमको सीखने को मिला। हम जो सोचते थे कि डुप्लीकेशन इसे कहते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा आपने 10 गुना हमें अच्छी तरह से सिखाया। और एक बात भी बहुत अच्छी लगी कि डुप्लीकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। हम जो पहले काम करते थे वो काम करना शुरू करते हैं और उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज का सीजन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। और ये हमें काम भी बहुत आता है, हम जब किसी को डुप्लीकेशन करते हैं तो। थैंक यू सर। और कोई दर्शना मैम? सर मैं तो पता नहीं, आज पता नहीं इतना हैप्पी हूँ कि कुछ बोल नहीं सकती। सर ये सब बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन जो करना है ये हमने अब हमारे अप्लाई के साथ सब सुना है, सब महसूस किया है सर। ये वो हमारे साथ हो रहा है, डुप्लीकेशन का जो टॉपिक आपने जो समझाया ना वो सब हो रहा है। योगेश सर, जिग्नेश सर दोनों हमारे ऊपर वो सब अप्लाई कर रहे हैं और हमने अंदर वो थोड़े थोड़े गुण आने शुरू हो गए ऐसा लग रहा है। सर थैंक यू वेरी मच। और डुप्लीकेशन कैसे करना है ना वो सर आज बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया सर। और सर आप जो बोल के समझाते हैं ना सर, बिलीव दिस सर, आप आई एम हैप्पी। इतने इजीली है सर आप समझा देते ना, वो दिमाग में करेक्टली उतर जाता है सर। इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी कोई दो लोग बोल सकते हैं, फटाफट किसी को बोलना है तो। बहुत बढ़िया मुरुगेश सर, फैंटास्टिक टॉपिक। मेरी आवाज आ रही है? देखो यस सर, जैसे कॉरपोरेट की दुनिया होती है, तो कॉरपोरेट की दुनिया में हम लोग एम्प्लॉय रखते हैं। एक बॉस एम्प्लॉय क्यों रखता है? क्योंकि बॉस सारा काम नहीं कर सकता। और जनरली कोई भी आदमी बॉस क्यों बनता है पता है? क्योंकि उसमें मेहनत करने की लगन होती है, वो मेहनत करने का पागल होता है, ठीक है, और वो काम करने का उसको बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये चीज उसके आड़े आती है, यही चीज उसका दुश्मन बन जाती है, क्योंकि वो हर काम खुद करना चाहता है, उसको किसी का काम पसंद नहीं आता है, हर व्यक्ति को वो गाली देता रहता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कभी बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते, वो छोटा ही रह जाएगा। इसलिए हमें दूसरों के ऊपर भरोसा करके, उसको इंग्लिश में वहां पे कॉरपोरेट की दुनिया में डेलीगेशन बोलते हैं, कि हम काम को डेलीगेशन करते हैं, काम सौंपते हैं, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। और हमारी दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, उसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। कॉरपोरेट में लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता है, यहाँ कोई रुपया नहीं देना है, यहाँ सिर्फ दिमाग से काम चलते हैं। आज हमारे ग्रुप में अमीबियन है जो आज इस होस्टिंग कर रहे हैं, कृपा बेन होस्टिंग कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो है पहली बार स्टेज पे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कई जिंदगी में शायद पहली बार सेल्स किया होगा। नहीं तो जनरली लेडीज ये बोलती है ब्यूटिशियन, ये सब नहीं मजा आता है, हम लोग तो ये नहीं करते सर, सेलिंग में हमको इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली इनडायरेक्ट ये चीज ये कहना चाहते हो कि मुझे पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता है। आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है अपना मेडिकल स्टोर डाल के काम करता है, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को अलग से प्रोडक्ट बेचते हुए देखा है,
ठीक है, तो वो लोग कर रहे हैं, ये आपकी हक है, ये आपका कमाई, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो चीजों में आप डुप्लीकेट हुए है ना, तो डुप्लीकेशन कभी बंद नहीं हो सकता। अगर आपने सिर्फ ये कमिटमेंट ले ली कि मैं महीने में एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करूंगा, और जो व्यक्ति को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, मैं ऐसा व्यक्ति को डुप्लीकेट कर रहा हूं कि एक महीने के बाद वो आगे भी किसी को एक ही डुप्लीकेट करेगा, तो अगले साल आप करोड़पति बन सकते हैं। इतनी दौलत इकट्ठी हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते। 16,000 प्लानर आपकी टीम में आ सकते हैं। अगर इस काम में आपने 100% सफलता प्राप्त कर ली, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, जो आपके खानदान में आज तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन हर चीज आपसे होगी। जैसा कहते हैं कि बाप ते वो बेटो, बड़ ते वो टेटो, राइट। कहने का कंडीशन क्या है कि जैसा आप होंगे ना, आपकी टीम बिल्कुल वैसी ही होगी। तो जैसी आपकी टीम बनाना चाहते हो, वो सारे काम आपको आने चाहिए, वो काम आप करते होने चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपको एक सवाल पूछूं कि आपके जैसे अगर आपकी टीम में 100 जन पैदा हो जाए, तो कुछ बवाल होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो समझ लेना ओरिजिनल कॉपी में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे जैसे सर 100 हो गए ना, अगर मैं ये बोलूं कि मुरुगेश जैसे मुरुगेश की टीम में 100 आ गए, तो क्या होगा? भयंकर बवाल हो जाएगा, जैगुआर गाड़ी आ सकती है ना। अगर योगेश पटेल की टीम में 100 योगेश पटेल हो जाए, तो क्या होगा? धमाल हो जाएगा। तो ऐसे आपके जैसे अगर आपकी टीम में 100 हो जाने से अगर फर्क पैदा होगा, अगर आपके रहने से कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिएगा आपकी ना रहने से भी कोई फर्क नहीं होगा, है ना। तो आपके रहने से फर्क होना चाहिए, और आपके जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना चाहिए। और इस धंधे का मास्टर चाबी है जो मुरुगेश सर ने समझाया, डुप्लीकेशन। इसके ऊपर काम करो, और उसके ऊपर काम करने का मतलब है खुद के ऊपर काम करो, और लोग अपने आप डुप्लीकेट हो जाएंगे। चिंता मत करो, जैसा आप करोगे, जैसे आप शब्दों को इस्तेमाल करते हो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, अगर कल से मैं हर रोज लाल शर्ट पहन के घूमूंगा, तो 6 महीने में नीचे लाल कलर ही दिखाई देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लोग आपको कॉपी करते हैं, आपकी हेयर स्टाइल को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके शब्दों को, आपके विचारों को, हर चीज को। इसलिए जैसी टीम बनाना चाहते हो, पहले खुद बन जाओ, टीम अपने आप बन जाएगी आपकी जैसे। बहुत बढ़िया मुरुगेश सर, इट वॉज फैंटास्टिक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। डुप्लीकेशन के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी। डुप्लीकेशन ऐसे लोगों को करना चाहिए जिसको उसकी नीड है, वो अम्बिशियस है, जो 100% उसमें सबमिट है और शार्प है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको ही डुप्लीकेट करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने बोला ना, 100% में से 20% ऐसे लोग होते हैं जो 100% सबमिट होते हैं, उसके ऊपर डुप्लीकेशन करना चाहिए। और आप कर भी नहीं सकते, आप एक मैक्सिमम एक साथ में 2 या 3 लोगों को ही कर पाओगे। ज्यादा करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप 2 रैबिट के पीछे नहीं भाग सकते, आप 2 खरगोश के पीछे भाग नहीं सकते, एक भी हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा है कहना है कि मैक्सिमम शायद आप दो दो लोगों तक बढ़िया प्लानिंग, और एक व्यक्ति को मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 1 महीना बहुत हो गया। 1 महीने के अगर मैं उसके साथ हर रोज 2 प्लान करता हूँ, तो 60 प्लान देखने के बाद तो वो आदमी डुप्लीकेट हो ही जाएगा। तो मैक्सिमम 3 महीना बहुत है, नहीं तो ऐसा नहीं करो कि 2-2 साल से किसी को कंधे पे लटका के घूम रहे हो कि सर ये मेरा लीडर है, मेरा लीडर है। कहीं उसी के कारण आपका ग्रोथ रुका हुआ है। तो डुप्लीकेशन बहुत इस सेशन को जो मुरुगेश सर ने बताया, वो बातों को याद रखूँ। और एक चीज और बता देता हूँ, जिसको भी डुप्लीकेट करना चाहते हो ना, एक बार अपने सीनियर को मिला देना कि सर मैं उसको डुप्लीकेट करना चाह रही हूँ, तो आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो कई बार हमसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई है, 1 साल बाद एहसास होता है कि यार मैंने किसके पीछे टाइम लगा दिया। 2 साल मेरे जीरो हो गए, 3 साल मेरे जीरो हो गए। याद रखना कि माफी चाहता हूँ, ये लाइन थोड़ी गहरी है, कि आप किसी इडियट को मोटिवेट करके ना इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। वो बाद में मोटिवेटेड इडियट हो जाता है,
समझ, वो और ज्यादा घातक हो जाता है, यस सर, इसलिए सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। ना मिले तो थोड़ा सब्र रखो, लेकिन जिस दिन आपको अच्छा मिलता है कि यस ये आदमी डुप्लीकेबल है, कि अगर इसके जैसे 100 पैदा हो गए तो फर्क पैदा हो जाएगा, तो फिर वहां मेहनत करो। नहीं मिलता है तो ढूंढते रहो, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है सर यही है तो उसको डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है इट्स ओके, लेकिन वो आपका भविष्य नहीं, यह याद रख। हमें उस मुकाम तक जाना है जो टीम बनानी, जो आपके 10, वो पिक्चर है ना स्पेशल 26, ऐसे आपको स्पेशल 26 बनाने हैं, कमांडो टीम बनानी है, कमांडो झांसी की रानी की टीम बनानी है, AK-47, ठीक है, जो आपका जी भविष्य का निर्माण करेगी, ठीक है। थैंक सर, जबरदस्त सर, यू। थैंक यू। और आज थैंक यू, अपना टाइम भी बहुत हो गया है, तो आज का अपना मीटिंग बाइंड अप करते हैं, और अभी मंडे को मिलते हैं। कल तो हमारा सैटरडे है, तो बिजनेस स्कूल की एक रजा है, और रजा का उपयोग हमें कैसे करना है वो भी आपको पता है कि उसमें क्या प्रिपरेशन करना है। और कल अपना वीकली भी, सॉरी आज ही, आज 6 तारीख है ना, आज ही वीकली अपना जो क्लोज क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको जो भी मेहनत बाकी है वो कर लीजिए, और मिलते हैं फिर मंडे को। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मुरुगेश सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुरुगेश सर, मिते सर, थैंक यू।